जय हिंद दोस्तों। 1 नवंबर को रणेर गिरधर गोपाल गौशाला में ओम जी मुंडेल पधारे थे, तो गायों के लिए प्रोग्राम था और उसमें भंडारा भी था साथ में, और काफ़ी संख्या में स्थानीय साथी थे, वो भजन संध्या का आनंद लेने के लिए पहुँचे। तो प्रोग्राम के सफल आयोजन में कमांडो डिफेंस एकेडमी के जो कमांडोज खड़े हैं इनका भी योगदान था, और विशाल प्रोग्राम को दिलो जान से इन्होंने मेहनत करके सफल करने की कोशिश की। तो गौशाला के व्यवस्थापक महोदय गुरुदेव राजू जी पधारे हैं, तो बच्चों को उस दिन सम्मानित तो ओम जी के द्वारा करवा दिया गया था, लेकिन आज फिर पेन वितरण करके और बच्चों को सम्मानित करवा रहे हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के प्रोग्राम गौशाला करवाते रहे और कमांडो डिफेंस एकेडमी को व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी मिलती रहे। थैंक यू। अच्छे रहते हैं, हम बीमारी से बचते हैं इससे। जय सियाराम, जय श्री कृष्णा। और हाँ, गुरु लोगों की बात का पालन करना चाहिए, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। जय सियाराम। ये जो उपहार, ये आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी उन्नति करो, भारत का गौरव बनो, इसलिए ये उपहार दिया जाता है आपको। जय सियारा। जय करो, वितरण करो, उधर से उधर से स्टार्ट करो। गुरु जी का आप में से सेवा कौन करता है गाय की? सभी करते हो? घर में नहीं है तो भी करते हो क्या? पत्थर कौन मारता है? हाँ बिल्कुल, देखो याद करे, देखो पत्थर मारते हो ना गाय को? मोहित मार रहे हो, पत्थर मारते हो ना? ये सम्मान है ना, ये प्रेरणा देता है हमें गौ सेवा के लिए। और गौ सेवा केवल सेवा ही नहीं है, अपने आप में पूजा है ये। गौ सेवा कर लोग, उसके बाद में आपको उसके अलावा कहीं कोई पूजा, कहीं पूजा अग्रवर्ती की आवश्यकता नहीं है, उससे बड़ी कोई सेवा है भी नहीं। ठीक है, तो ये गुरुदेव आज आप सबको इनाम का वितरण करेंगे और आपके अंदर और भावना प्रबल हो कि हमने गौ सेवा करनी है, इसलिए आज आपको सबको पेन दे के सम्मानित कर रहे हैं। स्टॉप, आ जाओ स्टॉप। अंकित अंकित विक्रम जी, अंकित बोलो, अंकित कहाँ है? चलो खराब सुनिए,
एक दो है वो चवार डाल देगा। अभी ये छोटे बच्चों के लिए पेंसिल है? नहीं नहीं पेन ही है सर। स्टाफ को देते हैं इनको एक कप बांधा। हाँ हाँ बस ठीक है सही है। क्लोज कर दो कर दो प्लीज कर दो आप इसको आगे मत आप जाओ आयो आयो इनाओ भाई एक सिर्फ सिंगल ये हो सकता है सुबह फोन कर सबको तो मिल गया ना मैम उधर यहाँ तक मिल गया कोई कमी कोई गलती रही है तो क्षमा ठीक है और क्या रहे है वो आप लोग पता है भी बारे में थोड़ी आप जानकारी दो भाई गौशाला को प्रोग्राम किया रहे हो क्योंकि पहलो ही प्रोग्राम है वो इनमें गलतियाँ रहनी स्वाभाविक है आगे तो सीखने में मिलेगा और सीखें आगे और सीखने मिलेगा तो बहुत बढ़िया कराएंगे बोले तो